हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंटो स्टार्टर्स वर्सेस जोटो स्टार्टर्स के बारे में। एंड यस गाइस, ये मेरी सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें मैंने सारे रीजन्स का टूर्नामेंट रखा है। बट इन सारे रीजन्स के टूर्नामेंट में मैंने सिर्फ लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन के बीच टूर्नामेंट नहीं रखा है। यहाँ पर मैं हर एक रीजन को ओवरऑल देखने वाला हूँ कि ओवरऑल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स किसके पास है, लाइक सबसे ताकतवर स्टार्टर्स किस रीजन के पास है एंड सबसे ताकतवर सूडो लेजेंडरी किस रीजन का है एटसेट्रा। बेसिकली मैंने हर एक रीजन की फाइट में 7 राउंड रखे हैं। राउंड 1 में हम दोनों के स्टार्टर्स को कंपेयर करेंगे, राउंड 2 में बेस्ट ऑफ नॉन लेजेंडरी को, राउंड 3 में नॉर्मल लेजेंडरीज को, राउंड 4 में सूडो लेजेंडरीज, राउंड 5 में मिथिकल्स, राउंड 6 में मैस्कॉट लेजेंडरीज को एंड आखिर में यानी कि राउंड 7 में स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को कि किस रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ज्यादा ताकतवर है। सो हाँ, मैं सारे रीजन को ओवरऑल देखने वाला हूँ, ना कि किसी एक पोकेमॉन के बेसिस पे। सो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कैंटो एंड जोटो से। एंड आज की वीडियो राउंड 1 है जिसमें हम इन दोनों के स्टार्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंटो एंड जोटो दोनों में ही कमाल के स्टार्टर्स हैं एंड नो डाउट दोनों ही रीजन के स्टार्टर्स काफी ताकतवर हैं। तो चलिए फिर कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों के ग्रास स्टार्टर्स में कौन ज्यादा ताकतवर है। सो कैंटो से है वीनोसॉर एंड जोटो से है मगेनियम। दोनों ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप पोकेमॉन की लिस्ट में आते हैं। ये बात अलग है कि पूरे एनिमे में इन दोनों पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया, बट फिर भी जितना फोकस किया गया उनमें भी इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली इस मैच का विनर वेनोसॉर रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो मगेनियम के पास पूरे एनिमे में बस एक ही बड़ा फीट है कि उसने राइको को बचाने में टाइफ्लूजन की हेल्प की थी एंड स्कारमोरी एंड स्टीलिक्स का अकेले सामना किया था एंड स्टीलिक्स के रॉक थ्रो को अपने सोलर बीम से रोका है। मतलब इसके अलावा मगेनियम के पास कोई भी बड़ा फीट नहीं है एंड इसका एक ही रीज़न है कि मगेनियम का अपेयरेंस एनिमे के अंदर काफ़ी कम था, बट वहीं वेनोसॉर काफ़ी बार अपेयर हुआ एंड हर बार उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जैसे कि अगर ड्रेक के वेनोसॉर को ले लें तो उसने भी टॉर्सो काफ़ी अच्छी फाइट दी थी एंड स्पेंसर की वेनोसॉर ने ऐश के हेराक्रॉस को हराया है। एंड अगर मान भी लिया जाए कि किसी तरह यहाँ पे बेलीफ ने बेस फॉर्म में वेनोसॉर को किसी तरह डोमिनेट कर दिया, तब भी यहाँ पे वेनोसॉर के पास एक अपर हैंड है कि अपनी फुल पावर अनलीश करने के लिए अपने मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड अगर एक बार वेनोसॉर अपने मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ तो मगेनियम के लिए फाइट जीतना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेगा फॉर्म में आने के बाद वेनोसॉर की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वेनोसॉर ने मेगा फॉर्म में आने के बाद मेगा चार्जर्ड एक्स तक को एक टफ फाइट दी है। सो हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर वेनोसॉर एक बार मेगा इवॉल्व कर जाए तो इस फाइट का विनर वही रहेगा। अगर एक तरह से ग्रास स्टार्टर्स में देखा जाए तो कैंटो आगे है, क्योंकि कैंटो का ग्रास स्टार्टर वेनोसॉर और जोटो का ग्रास स्टार्टर मगेनियम से ज्यादा ताकतवर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइट की तरफ, जो कि वाटर स्टार्टर्स के बीच है एंड वाटर स्टार्टर्स में आते हैं कैंटो से ब्लास्टॉइस एंड जोटो से फरालीगेटर। एंड इन दोनों की परफॉर्मेंस लिटरली एनिमे में काफ़ी अच्छी रही है। फरालीगेटर को एक तरह से तुम पूरे जोटो रीजन का मोस्ट पावरफुल स्टार्टर कह सकते हो, क्योंकि इसके जितनी अच्छी परफॉर्मेंस जोटो किसी भी स्टार्टर ने नहीं दी है, बट ब्लास्टॉइस कैंटो का मोस्ट पावरफुल स्टार्टर नहीं है। हाँ, देखा जाए तो गैलार जब तक नहीं आया था तब तक ब्लास्टॉइस ही कैंटो का मोस्ट पावरफुल स्टार्टर था, बट गैलार में जीमैक्स चार्जर्ड आ गया जिसके पास ओवरहेलमिंग पावर है। सो हाँ, इसके बाद ब्लास्टॉइस का नंबर 1 पे आना पॉसिबल नहीं था। अब बात करेंगे इन दोनों की पावर की, तो यहाँ पे फरालीगेटर के पास लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकेंड मूवी में इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि मैं क्या ही कहूँ। अगर तुमने वो मूवी नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेकआउट करना। उस मूवी में फरालीगेटर ने जेनेसेक्ट जैसे पोकेमॉन के खिलाफ काफ़ी अच्छी फाइट रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली इस मैच का विनर ब्लास्टॉइस रहेगा, क्योंकि फरालीगेटर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो बट ब्लास्टॉइस को हरा नहीं सकता। ब्लास्टॉइस की परफॉर्मेंस लिटरली काफ़ी अच्छी रही है, जहाँ गैरी के ब्लास्टॉइस ने ऐश के हेराक्रॉस एंड ऐश के बेलीफ को वन शॉट कर दिया था एंड ऐश के चार्जर्ड को एक टफ फाइट दी थी। एंड पोकेमॉन जर्नीज के अंदर गैरी का ब्लास्टॉइस मोल्ट्रेस को भी काफी अच्छी टक्कर दे चुका है एंड उसका बर्न अप अटैक भी सह चुका है। एंड अगर सीबोल्ट के ब्लास्टॉइस की बात करें तो सीबोल्ट के ब्लास्टॉइस ने बेस फॉर्म में अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स के ड्रैगन क्लॉ को अपनी स्कल बैश से रोका है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्लास्टॉइस की पावर एनिमे में फरालीगेटर से काफी ज्यादा है एंड ये फाइट वही जीतेगा। एंड अभी तक तो मैंने इवन ब्लास्टॉइस की फुल पोटेंशियल को लिया भी नहीं है, ये बस उसके बेस फॉर्म की ताकत है जो कि उसने दिखाई थी। एंड इवन बेस फॉर्म में वो फरालीगेटर को बुरी तरह से ओवरपावर कर सकता है, लेकिन अगर वो मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि फरालीगेटर एक मिनट भी टिक पाएगा, क्योंकि मेगा फॉर्म में तो लिटरली ब्लास्टॉइस ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर वाटर स्टार्टर बन चुका है। एंड मेगा फॉर्म में आने के बाद इसके पास मेगा लॉन्चर की भी एबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण इसका ड्रैगन पल्स सुपर चार्ज हो जाता है। एंड इसकी ताकत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इसने मेगा चार्जर्ड एक्स जैसे पोकेमॉन को 1.5 मिनट से भी कम समय में हराया है, वो भी बस 3 अटैक मार के, एक हाइड्रोबॉम एंड 2 ड्रैगन पल्स। सो हाँ, एक तरह से मेगा ब्लास्टॉइस बहुत ज्यादा ताकतवर है। सो यार गाइस, इस फाइट का विनर ब्लास्टॉइस रहेगा बेस फॉर्म एंड मेगा फॉर्म दोनों में ही, क्योंकि दोनों में वो फरालीगेटर से ज्यादा ताकतवर है। एंड नाउ फाइनल राउंड आता है इन दोनों के फायर स्टार्टर्स के बीच, चार्जर्ड वर्सेस टाइफ्लोजन। टाइफ्लोजन बेसिकली जोटो का सेकंड मोस्ट पावरफुल स्टार्टर है एंड चार्जर्ड कैंटो का मोस्ट पावरफुल स्टार्टर है। अगर इन दोनों फुली इवॉल्व पोकेमॉन में कहीं फाइट होगी तो फाइट देखने लायक होगी, बट ये बात बेसिकली ऑलमोस्ट हम सभी लोग जानते हैं कि टाइफ्लोजन कितना भी ताकतवर हो बट चार्जर्ड को कभी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि चार्जर्ड लिटरली एक अलग ही लेवल पे है। ये पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। टाइफ्लोजन ने भले ही यहाँ पर एक ही मैच में स्कारमोरी एंड स्टीलिक्स का सामना किया एंड राइको को काफी अच्छी टक्कर दी थी, बट चार्जर्ड लिटरली भाई मतलब
बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे तो चार्जार्ड के पास बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स एंड पावर्स हैं जो कि इसे एक अलग ही लेवल पे रख देते हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो अपने बेस फॉर्म में टाइफ्लोजन को बहुत बुरी तरह से ओवरपावर कर सकता है, क्योंकि बेस फॉर्म में ही चार्जार्ड एक अलग लेवल पे है। बेस फॉर्म में सबसे ताकतवर चार्जार्ड एश का है, एंड जिस राइको को टाइफ्लोजन ने टक्कर दी है उस राइको को एश का चार्जार्ड चीर के रख सकता है। सो यार इसे अपनी कोई फॉर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चार्जार्ड के फॉर्म्स को भी गिनने लगे लाइक मेगा चार्जार्ड एक्स को, तो यहाँ पर टाइफ्लोजन की राख भी नहीं बचने वाली, क्योंकि मेगा चार्जार्ड एक्स तो भाई एक अलग ही लेवल पे है जिसने पूरे कालोस में अपनी डोमिनेंस दिखाई है। एंड जी मैक्स चार्जार्ड तो छोड़ ही दो, इसे तो इंक्लूड करना एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि जी मैक्स चार्जार्ड अगर आ गया तो तुम जानती हो क्या होगा। सो चार्जार्ड वर्सेस टाइफ्लोजन की इस फाइट का विनर चार्जार्ड ही होगा बिना किसी शक के। सो हाँ गाइज, एक तरह से चार्जार्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर है टाइफ्लोजन से अपने बेस फॉर्म में ही, एंड अगर हम इसके फॉर्म्स को इंक्लूड करने लगें तो टाइफ्लोजन आधे मिनट तक भी नहीं टिकेगा। सो कैंटो वर्सेस जोटो के राउंड वन में कैंटो जीत गया है, क्योंकि कैंटो के स्टार्टर्स जोटो के स्टार्टर्स से ज़्यादा ताकतवर हैं। राउंड टू बेस्ट ऑफ नॉन लेजेंडरी एंड नॉर्मल लेजेंडरीज का होगा, बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, क्योंकि ये दोनों राउंड्स बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में ही होंगे। सो या गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।